गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई राहुल मौर्या वेलकम यू ऑल इन द चैनल ऑफ फार्मा एस्पायरेंट्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज विटामिन्स। एज यू ऑल आर नो अबाउट द विटामिन्स एंड विटामिन्स इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल्स इन अवर डे टू डे लाइफ फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल फंक्शंस। अब अगर हम बात करें इन कंसर्न विद द वेरियस काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस, तो विटामिन से आपको हर बार मोस्ट प्रोबली 1 to 2 क्वेश्चंस आर सीन इन एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस, वेदर इट इज अ फार्मासिस्ट काइंड ऑफ एग्जाम, वेदर इट इज डीआई काइंड ऑफ एग्जाम, वेदर इट इज अ एनालिस्ट एग्जाम, जीपेट, नाइपर, एनी काइंड ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, एनी काइंड ऑफ रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम, एनी काइंड ऑफ ड्रग कंट्रोलर एग्जाम, and if you are giving any kind of exam which is related with the biological stream, so you must have seen there are 1 to 2 questions are always comes from the portion from vitamins. So let's start with one of the important chapter, aur vitamin ka hamara day to day life mein importance bhi bahut hai. So in terms of number of question you'll ask in examination as well as in order to understand the importance of vitamin in our day to day life. Okay, so we will start with the vitamins. So first of all, we try to understand what is vitamin. After that, we will study about the classification of different kinds of vitamins, and after that we will discussing separately each vitamins. Okay, so let us start with some simple introduction of vitamin. Simply, vitamin is a kind of organic compound. Agar aapse puche ki vitamins kya hai, to vitamins is a organic compound. There are different kinds of compound, whether it is organic compound, inorganic compound. If we generally discussing about the vitamins, to vitamins is a organic compound. Okay, so you must known about that vitamins is organic compound. Basically, they are made up of carbons. And हमारी day to day life में biological activities के लिए अगर हम बात करें कि in terms of quantity, how much quantity of vitamins are required, तो they are required in very small quantity. In हमारे foods में अगर हम carbohydrates की बात कर रहे हैं, तो carbohydrates वगैरह क्या होते हैं, large quantity में required. लेकिन अगर मैं विटामिन्स की बात करूं, तो विटामिन्स जो हैं, दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट दे रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल क्वांटिटी. ओके, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. सेकंड, रिक्वायर्ड इन डाइट. डाइट में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये बॉडी के अंदर ही डेवलप नहीं हो रहे, हमको बाहर से लेना पड़ेगा, तो ये डाइट में इसेंशियल है इसलिए हमारे, और रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. दे रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल क्वांटिटी. अब ये बात तो समझ लिया मैंने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए. अब ये करते क्या है, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंट रोल, इनका स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो अगर हम इसको समझने की बात करें, तो ये विटामिन्स हमारी बॉडी में क्या करने वाले हैं, तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो इनका जो रोल है दैट इज स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ. ओके, तो हमने क्या कहा, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल क्वांटिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर मेंटेनेंस of optimum growth and health. तो biological functions की जब भी हम बात करेंगे, तो biological function में vitamin का बहुत ही significant, बहुत ही characteristics role होगा.
तो यू मस्ट नो अबाउट द व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक रोल ऑफ द विटामिन्स इन अवर डे टू डे लाइफ. ओके, इफ यू सिंपली टॉक अबाउट द विटामिन्स, बेसिकली वी आर क्लासिफाई द विटामिन्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी. Simply, if we talk about the classification, we classify the vitamin on the basis of their solubility pattern. Some vitamins are soluble in aqueous medium and some are soluble in fatty media. So there are two kinds of vitamin, oil soluble vitamin and water soluble vitamin. Simply, we classify the vitamins, and vitamins are of two types. Vitamins are of two types, fat soluble and water soluble vitamins. So we have two kinds of vitamin. One is fat soluble and second is water soluble. There are two kinds of vitamins, fat soluble vitamin and water soluble vitamin. Okay. If we talk about the fat soluble vitamins, so there are different vitamins which are fat soluble. Vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. These are fat soluble vitamins. And now if we talk about water soluble vitamins, the remaining jo vitamin bache, that is vitamin B, which are in complex form, and vitamin C. So abhi ek bahut simple sa classification kiya, laterally we are discussing about in detail, है ना, ईच ऑफ द विटामिन्स. सो इन वेरी बिगिनिंग अ बेसिक क्लासिफिकेशन से दैट विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. एंड विच आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ए डी ई के, एंड विच आर द वाटर सॉल्युबल, द विटामिन बी एंड विटामिन सी. ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब कभी भी आप कोई विटामिन्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है जिनके बारे में हमको समझना होता है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज प्रिकर्सर. कोई भी विटामिन है तो ये कहाँ से ड्राइव होकर के आता है. अगर जब आपको प्रिकर्सर पता होगा तभी अगर उसकी डेफिशिएंसी हो रही तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस चीज से ड्राइव हो रहा है हमको उस चीज का लेवल बॉडी में प्रॉपर मेंटेन करना होगा. तो विटामिन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज प्रिकर्सर, कि उसका प्रिकर्सर क्या है. सेकेंड, केमिकली अगर हम उस चीज को समझ सकते हैं तो वो केमिकली जो प्रिकर्सर है उसके अंदर रिंग कौन सी है, बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है. तो विटामिन में जब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो इट मे बी समटाइम आस्क विद द व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ दैट पर्टिकुलर विटामिन, व्हाट काइंड ऑफ रिंग्स आर इन प्रेजेंट. और अगर उस विटामिन का कोई कॉमन नेम है तो कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछेगा, और उससे होने वाली डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज. तो यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चन आपको याद रखने कि कहां कहां से यहां पर क्वेश्चन बनेंगे. तो एक क्वेश्चन जो बनेगा दैट इज फ्रॉम बायो, बायो प्रिकर्सर. ठीक है, बायो प्रिकर्सर, या कई बार उसको आपको प्रो विटामिन्स भी बोल सकता है, वो प्रो विटामिन. ठीक है, तो बायो प्रिकर्सर या प्रो विटामिन पूछ रहा है, यहां से क्वेश्चन बनेगा. विटामिन का कॉमन नेम यदि कुछ है वहां से क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, न्यूक्लियस या किस टाइप का रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन में, उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, एंड डिसीज. ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड विद द विटामिन्स एंड मोस्ट कॉमनली आस्क इन द एग्जामिनेशंस. तो जब कभी भी आप कोई विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यू मस्ट आर फोकस इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स, की व्हाट काइंड ऑफ प्रिकर्सर, व्हाट इज द कॉमन नेम, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन देयर, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन एंड व्हाट इज डिसीज. सपोज जैसे अगर मैं विटामिन के की बात करूं, दैट इज रिलेटेड विद द ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज द स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ फंक्शन. ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
जो हमको याद रखना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब वन बाय वन करके हम इसी कंसर्न में सारे विटामिन्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन से। तो वी स्टार्ट विद द फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, सबसे पहले हम विटामिन्स में फैट सॉल्युबल विटामिन देख रहे हैं, तो अंडरस्टूड हो गया। अभी मैं जितने भी विटामिन्स की बात करूंगा दे ऑल आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ओके, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिसमें हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पास विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज विटामिन ए। ओके, अब मैंने पहले ही बता दिया था कि विटामिन ए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना है। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें ये समझ लेते हैं हम यहां पर। तो विटामिन ए की रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं इसका प्रिकर्सर क्या होगा, या आप प्रिकर्सर को प्रोविटामिन्स भी कह सकते हैं। फिर हम बेसिक इसके कॉमन नेम की बात भी करेंगे, अदर पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट है उनको भी यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे कि उसका कॉमन नेम क्या है, किस टाइप की इसमें फंक्शंस होते हैं, रिलेटेड डिसीजेस क्या हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है। तो कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना दिए, उन पॉइंट्स के अंदर हम चीजों को डिस्क्राइब करते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम विटामिन के कॉमन नेम की बात कर लेते हैं कि अगर जो विटामिन है, जो विटामिन ए है, इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो याद रखना, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज रेटिनॉल। ओके, दैट इज कॉमन नेम ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल। चलो अब सबसे पहली बात कर रहे हैं हम दैट इज बायो प्रिकर्सर। किसका बायो प्रिकर्सर क्या होगा, बायो प्रिकर्सर। और मैंने कहा कई बार जरूरी नहीं कि बायो प्रिकर्सर हो, वो इन टर्म्स ऑफ प्रो विटामिन भी बोल सकता है। तो अगर वो आपसे पूछ रहा है कि इसका बायो प्रिकर्सर क्या है, या अगर मैं आपसे कहूं कि प्रो विटामिन ऑफ विटामिन ए, ठीक है, बायो प्रिकर्सर या प्रो विटामिन। तो अगर मैं बायो प्रिकर्सर की बात कर रहा हूं या प्रो विटामिन्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पे इसका जो जस्ट मिनट, ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट बायो प्रिकर्सर एंड प्रो विटामिन ऑफ विटामिन ए। तो यहां पर जो बायो प्रिकर्सर या प्रो विटामिन है दैट इज बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखना है, दैट इज बायो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, या इसको आप प्रो विटामिन भी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी थी दैट इज बायो प्रिकर्सर या प्रो विटामिन। तो विटामिन ए का जो बायो प्रिकर्सर होगा या प्रो विटामिन जो होगा वो होगा बीटा कैरोटीन। ओके, सेकेंड पॉइंट पर हम आ जाते हैं। यहां पर सेकेंड पॉइंट पर एक वर्ड आता है दैट इज वीटामर्स। वीटामर्स इज नथिंग जस्ट अ विटामिन लाइक सब्सटेंस। विटामिन लाइक सब्सटेंस आर नोन एज वीटामर्स। जो भी विटामिन लाइक सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम वीटामर्स कह देते हैं। ओके, तो सेकेंड पॉइंट यहां पे मैं लिख रहा हूं, और ये जितने भी पॉइंट्स लिख रहा हूं दे ऑल आर क्वेश्चंस। वीटामर्स, वीटामर्स ऑफ विटामिन ए।
तो अगर वीटामर्स कहीं पे लिखा हुआ है तो याद रखना, वीटामर्स इज नथिंग जस्ट अ विटामिन लाइक सब्सटेंस. विटामिन लाइक सब्सटेंस आर नोन एज वीटामर्स. तो अगर आपसे वीटामर्स क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो विटामिन लाइक सब्सटेंस होता है. और अगर हम बात करें कि विटामिन ए के वीटामर्स कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए के वीटामर्स में अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, दैट इज रेटिनॉल. सबसे पहला विटामिन जो देखने के लिए मिलेगा. सेकंड अगर हम बात कर रहे हैं तो रेटिनॉल दैट इज अ अल्कोहलिक फॉर्म. ठीक है, जो रेटिनॉल है ये क्या है, अल्कोहलिक फॉर्म है. इसका जो ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज एल्कोहलिक फॉर्म. ये एल्कोहलिक फॉर्म है और इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज ए एल, रेटिनल. ठीक है, तो रेटिनल क्या हो गया, इसका एल्डिहाइड फॉर्म हो गया. ठीक है, अगर आप इसका और फर्दर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो नाउ इट्स बिकम एसिड, तो दैट इज रेटिनोइक एसिड. ये क्या हो गया, इसका एसिड फॉर्म हो गया. ठीक है, चल तो हमने यहां पर इनके विटामर्स के नाम देख लिया. अगर आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से, या केमिकली आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से विटामरिक फॉर्म हो सकते हैं, अल्कोहलिक, एल्डिहाइड, एसिडिक, ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे ही हो सकते हैं, या रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, दीज ऑल आर द विटामर्स ऑफ विटामिन ए. अब अगर मैं इसके थोड़ा सा केमिकल पोर्शन पे चला जाऊं, जो विटामिन ए है इसको हमने क्या बोला है, बेसिकली हमने इसको बोला रेटिनॉल. तो इसके अंदर केमिकली कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो केमिकली अगर मैं इसकी बात करूं रेटिनॉल की, तो रेटिनॉल को अगर आप देखोगे तो रेटिनॉल जो है वो बेसिकली उसके अंदर आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेगी. कौन कौन सी दो चीजें देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर, सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगी बीटा आयोनोन रिंग. अभी मैं इसे केमिकल स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा हूं, आपको अभी फिलहाल बस डायरेक्टली याद रखना है क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, बीटा आयोनोन रिंग एंड आइसोप्रिन यूनिट. ठीक है, आइसोप्रिन यूनिट. तो रेटिनॉल के स्ट्रक्चर में ये दो चीजें देखने के लिए मिलती है, बीटा आयोनिन रिंग एंड रेटिनॉल आइसोप्रिन यूनिट. इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूं. ओके, रेटिनॉल. तो रेटिनॉल में हमको क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज बीटा आयोनिन रिंग प्रेजेंट होगी प्लस उसमें आइसोप्रिन यूनिट होगी. और अगली अगर हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो हमारे पास विटामिन ए है, जो विटामिन ए है पर्टिकुलरली, इस विटामिन ए से कौन कौन सी डिसीज होगी, फिर हम अदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इनकी बात कर लेंगे. ठीक है, तो यहां पर अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, डिजीजेस. तो यहां पे हमें कौन कौन से डिजीजेस देखने के लिए मिलेंगे. ओके, तो डिजीजेस की यदि हम बात करें तो यहां पर हमको डिसीज देखने के लिए मिलेगी. फर्स्ट वन इज दैट इज निक्टेलोपिया. निक्टेलोपिया, निक्टेलोपिया जिसको आप सिंपली नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हो, इसलिए वर्ड आपको पता होना चाहिए,
अगर ये एग्जाम में लिखा हुआ है निक्टेलोपिया, दैट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. ओके, सेकंड बात कर लेते हैं हम, दैट इज जीरोप्थेल्मिया. ये सब ब्लर विजन से रिलेटेड ही है, लेकिन बस आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि दीज आर द डिसीज रिलेटेड विथ विटामिन ए. नेक्स्ट डिसीज की बात कर लेते हैं हम, जस्ट अ मिनट. ओके, नेक्स्ट डिसीज की बात कर लेते हैं हम, दैट इज कैरेटोमेलेसिया. एंड लास्ट वन इज बिटोटिस. अगर ये कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको देखने के लिए मिल रही है, दीज ऑल टर्मिनोलॉजी आर रिलेटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. ओके, चल अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. बाकी ये इतने कॉमन चीजें तो आपको याद ही रखनी है जिनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है. अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो विटामिन ए है इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है. पिगमेंट सिंथेसिस जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. अब वो अपना रोल कैसे प्ले करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो पहले कुछ कॉमन चीज थी जो आपको याद रखना है, दैट इज अबाउट टू बायो प्रिकर्सर, विटामर्स, रेटिनॉल्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है और कौन कौन सी डिसीज है. अब हम इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ऑफ विटामिन ए पे जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द बायोसिंथेटिक मैकेनिज्म ऑफ विटामिन ए, बायोसिंथेसिस क्या करता है. ओके, सो वी विल मूव विद द सम बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ विटामिन ए. ओके ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड द सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू विटामिन ए. ओके, तो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बेसिकली यहां पर सब कुछ उसकी बायोसिंथेटिक मैकेनिज्म की बात है, जहां से बहुत सारे पॉइंट्स ड्राइव होकर के आएंगे. विटामिन ए में मैं सबसे पहली बात करूं तो जो इसका जहां से इसकी बायोसिंथेसिस स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए होती है, प्रिकर्सर. ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी बायोसिंथेटिक पाथवे में क्या आएगा, प्रिकर्सर, जिसको आपने क्या बोला है, दैट इज नोन एज प्रोविटामिन. तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी वो क्या देखने के लिए मिलेगी, प्रिकर्सर प्रोविटामिन देखने को मिलेगा जो रोल में आएगा. तो यहां पर भी सबसे पहले प्रिकर्सर या प्रोविटामिन रोल में आ गया है. और ये जो प्रिकर्सर प्रोविटामिन है, और मैंने इसका नाम आपको बताया था, दैट इज प्रिकर्सर प्रोविटामिन इज दैट इज बीटा कैरोटीन. तो ये आपको याद रखना है, दैट इज बीटा कैरोटीन. ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये जो बीटा कैरोटीन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, दैट बीटा कैरोटीन दैट प्रिकर्सर प्रोविटामिन इट हैविंग अ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, तो कई बार पूछता है कि विटामिन ए जो है ये पॉपुलर है फॉर देयर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है इसमें. ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ बीटा कैरोटीन. ओके, फिर इस बीटा कैरोटीन का ऑक्सीडेशन होगा, बीटा कैरोटीन ऑक्सीडाइज होगा और ये फॉर्मेशन करेगा एल्कोहलिक डेरिवेटिव, दैट एल्कोहलिक डेरिवेटिव इज रेटिनॉल. ओके, ये जो यहां पर रिएक्शन हुई है ये भी याद रखना, यहां पर जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है दैट इज
ऑक्सीडेशन, ओके, जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, दैट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्या बन रहा है, रेटिनॉल। अब रेटिनॉल के लिए याद रखना, रेटिनॉल में है तो आइसोप्रिन यूनिट, लेकिन अगर आप इसके रिजेम्बलेंस की बात करोगे, फीचर की बात करोगे, तो इट इज अ फीचर ऑफ सम स्टेरॉयडल हार्मोन्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर आप रेटिनॉल की बात करोगे तो इसके फीचर कैसे हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स लाइक, इट इज नॉट अ केमिकल स्टेरॉयड हार्मोन्स, इट इज स्टेरॉयड हार्मोन्स लाइक विच टेक पार्ट इन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, मस्ट रिमेंबर दैट इफ यू टॉक अबाउट द रेटिनॉल, ठीक है। तो जो रेटिनॉल है, यहां पर लिख देता हूं, दैट रेटिनॉल इज अ स्टेरॉयडल हार्मोन्स लाइक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ओके। नेक्स्ट, मैंने क्या बताया था, इस रेटिनॉल का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन जब होगा तो यहां पर इससे दो टाइप के कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये यहां पर हमको दो टाइप के केमिकल कंस्टेंट देखने को मिलते हैं, वन इज एल्डिहाइडिक फॉर्म एंड वन इज देयर फॉस्फेट डेरिवेटिव, दैट इज रेटिनाइल फॉस्फेट, ओके। तो दिस रेटिनॉल इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहां पर एक एल्डिहाइड डेरिवेटिव देखने को मिलेगा, दैट इज रेटिनल, और सेकंड जो हमको देखने को मिलेगा दैट इज, दैट विल बी अ रेटिनाइल फॉस्फेट, रेटिनाइल फॉस्फेट। नो नीड टू वरी अबाउट दैट देयर बायोसिंथेटिक पाथवेज मैकेनिज्म, you must know what are the important points. First important point, what is the bioprecursor in provitamin or vitamin A, that is beta carotene. What is their characteristic property, that having an antioxidant property. Beta carotene oxidizes to produce what kind of compound, it produces retinol which having a steroidal like function and responsible for growth and differentiation, okay. Next, if we ask about the characteristic feature of the retinol, so retinol will oxidize and produce retinal and retinyl phosphate. Retinal and retinyl phosphate की अगर मैं बात करूं, that retinal is responsible for visual cycle. ठीक है, ये important point है कि ये vision के लिए जो important होता है, तो vision के लिए क्या important है यहाँ पे? तो vision के लिए जो is responsible है, that is retinal. This retinal is responsible for visual cycle. तो यहाँ पे visual cycle के लिए जो चीज important है, that is retinal. ठीक है, और ये जो रेटिनल होता है ये अपने अलग अलग फॉर्म में होता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है विजुअल साइकिल के, दैट इज ट्रांस रेटिनल। याद रखना, विजुअल साइकिल के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पर इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, सिस फॉर्म हो सकता है, ट्रांस हो सकता है, विच फॉर्म इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल साइकिल, दैट इज ट्रांस रेटिनल। ऐसे रेटिनल फॉस्फेट इट विल पार्टिसिपेट इन द ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सिंपली यहां पे याद रखना है कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, ओके। तो रेटिनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल साइकिल, एंड व्हाट काइंड ऑफ रेटिनल इज मोस्ट प्रोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल, दैट इज ट्रांस रेटिनल। फिर मैंने बताया था, अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए तो इससे रेटिनोइक एसिड प्रोड्यूस होगा, अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए, रेटिनल का फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा यदि ये, तो इट विल फर्दर ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूस रेटिनोइक एसिड। याद रखना, अगर ये ट्रांस है तो इट विल प्रोड्यूस ट्रांस रेटिनोइक एसिड, ओके। एंड दिस ट्रांस रेटिनोइक एसिड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, तो ये भी याद रखना है, दैट ट्रांस रेटिनोइक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन।
एंड दिस ट्रांस रेटिनोइक एसिड ये भी कैसे डेवलप हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर हम बात कर लें रेटिनॉल से, बीटा कैरोटीन से रेटिनॉल बनना ये ऑक्सीडेशन है, रेटिनॉल से रेटिनल बनना ये भी ऑक्सीडेशन है, और रेटिनल से रेटिनोइक एसिड बनना ये भी ऑक्सीडेशन है। और यही जो रेटिनल है ये आगे चल के पिगमेंट सिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल देखने के लिए मिलता है। तो यही जो रेटिनल है इट विल ऑल्सो टेक पार्ट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन। तो याद रखना, अगर रोडोप्सिन कहीं पे आता रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सिंपल दैट इज सिस सिस रेटिनल ऑप्शन। ठीक है, मैंने कहा था कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांस वाला। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं पे रोडोप्सिन लिखा है तो दैट रोडोप्सिन इज आल्सो ड्राइव फ्रॉम रेटिनल। ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि व्हाट आर द वीटामर्स, दैट इज रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, दे ऑल आर ड्राइव बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जितने भी वीटामर्स हैं विटामिन के, ये सब अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी प्रोसेस यहां पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बीटा कैरोटीन हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड रेटिनोल्स हैविंग अ स्टेरॉयडल प्रॉपर्टी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। रेटिनल रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल साइकिल एंड रेटिनोइक एसिड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो रेटिना की जब हम बात कर रहे हैं तो रेटिना में कुछ इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होती हैं बाय द नेम ऑफ रॉड एंड कॉन सेल। और जो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की बात करें हम रिस्पॉन्ड करती हैं, सम रिस्पॉन्ड टू द डिम लाइट और डार्क कंडीशंस एंड सम आर इफेक्टिव अंडर इन ब्राइट कंडीशन। ओके, तो यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी भी बात कर लेते हैं हम। ओके, जैसे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रेटिनल सेल, कौन कौन सी रेटिनल सेल हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दो टाइप की रेटिनल सेल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोलते हो, हम इसकी फिजियोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं आई के, लेकिन हाँ यहां से क्वेश्चन ड्राइव हो जाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेटिनल सेल। तो हम यहां पर दो टाइप की रेटिनल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, वन इज रॉड एंड सेकेंड वन इज कॉन। रॉड सेल एंड कॉन सेल। ओके, तो मैंने कहा यहां पर दो हो सकते हैं, रॉड सेल एंड सेकेंड इज कौन से। ठीक है, अंडरस्टूड, इट इज सेल। अब बात आती है कि जो रॉड सेल है ये किस कंडीशन में रिस्पॉन्ड करती है और कौन कब रिस्पॉन्ड करती है। तो यह देखना, रॉड में भी आर है और रात में भी, ठीक है ना, तो रॉड से याद रखना रात, और रात में हमेशा डिम लाइट ही होगी, डार्क कंडीशन होगी। तो ये डिम लाइट जब भी विजन होगा उस कंडीशन में जो रॉड सेल है ये एक्टिव हो जाएगी इन डिम लाइट विजन। ठीक है, तो डार जो रॉड सेल है ये किसको रिस्पॉन्ड करती है, डिम लाइट विजन को। वैसे ही जब हम कौन सेल की बात करते हैं तो कौन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट विजन। ठीक है, तो रिलेटेड टू सेल ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जो आपसे
फार्मासिस्ट डीआईएस टाइप के एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछ सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी के बारे में हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तब आई के बारे में वहां पर इसको समझेंगे। अभी यहाँ पर विटामिन के कंसर्न में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उनकी बात कर लेते। ऐसे जो हमने ये सिंथेसिस पाथवे देखा, ये जो सिंथेटिक पाथवे है, दैट पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पिगमेंट। तो वॉट काइंड ऑफ पिगमेंट्स आर ड्राइव इन दैट पर्टिकुलर सिंथेटिक पाथवे, ठीक है, जो कलर्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अलग अलग कलर्स के लिए। तो याद रखना यहाँ पर कुछ कलर पिगमेंट्स भी है, ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि दैट डिस्कशन इज ओके, वी विल टेक अनदर न्यू पेज रिलेटेड टू डिस्कशन। ओके, in vitamin A, now we are going to discuss about color pigment. Okay, तो हम आई के कलर पिगमेंट्स की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर कौन कौन से कलर पिगमेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट कलर पिगमेंट है जिनकी हम बात करते हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो यहां पर हम तीन इंपॉर्टेंट कलर पिगमेंट की बात करेंगे। That first one, that is porphyroxylin. One by one, हम इनको mention भी कर देते हैं। And this is the okay second one and now it is third one. ठीक है, यार डिजाइन इज क्वाइट स्लो। ओके, वी कम टू द पॉइंट्स। फर्स्ट पिगमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द पिगमेंट एंड द फर्स्ट पिगमेंट इज दैट इज पोर फायरोप्सिन, ठीक है। एंड सेकेंड पिगमेंट की बात कर लेते हैं हम, सेकेंड इज दैट इज आयोडोप्सिन एंड थर्ड पिगमेंट की बात कर लेते हैं हम, दैट इज साइनोप्सिन। ओके, these three are the pigment, just a minute, okay, porphyroxylin, iodopsin and cyanopsin, ठीक है। तो I have to you just see that कि यहां पर मैंने इनके color change किए in order to just you can understand why I'm getting color change, because that porphyrin, ये याद रखना, ये porphyrin ring system जो है ना, ये आपको hemoglobin में भी देखने को मिलता है। तो that porphyroxylin system that is responsible for red color. Red color. So now we will make it is in red color. Okay. This is responsible for red color. Okay. Second, हम बात करते हैं iodopsin
जैसा मैंने देख रहा आप आइड ऑप्शन यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा है, इट मींस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर्स। दैट आइड ऑप्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम साइन ऑप्शन, कलर से इंडिकेट किया हुआ मैंने इसको, दैट साइन ऑप्शन इज फॉर ब्लू कलर्स, तो इसको मेंशन कर देते हैं हम, दैट इज ब्लू कलर पिगमेंट। तो याद रखना यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है रिलेटेड टू पिगमेंट, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, साइन ऑप्शन पिगमेंट है ना, तो व्हाट आर द कलर पिगमेंट्स व्हिच आर ड्राइव फ्रॉम विटामिन से, तो अगर वहां पे लिखा है पोरफायरोसिन, आइडोप्सिन, साइन ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट। पोरफायरोप्सिन तो याद रखना ये पोरफायरिन रिंग हीमोग्लोबिन से याद रखना कि रेड कलर होगा, आइडोप्सिन दैट इज अ ग्रीन कलर, एंड साइनोप्सिन ठीक है, साइनाइड जो है वो पॉइजन है, अगर पॉइजन अगर किसी ने पी लिया तो बॉडी पूरी नीली हो जाती है, ब्लू हो जाती है, दैट्स यू विल ट्राई टू रिमेंबर इट, दैट इज साइनोप्सिन इज फॉर ब्लू कलर। ओके, तो ये यहां पर हमने समझी थिंग्स रिलेटेड विद द विटामिन ए। तो अभी हम फैट सॉल्युबल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने चीजें समझ ली रिलेटेड विद द विटामिन ए, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं दैट इज अ थिंग रिलेटेड विद द विटामिन डी। तो सबसे पहले अभी हमने किसकी बात की, विटामिन ए, नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द विटामिन डी। ओके, सो इन द नेक्स्ट वन वी विल डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन, दैट इज विटामिन डी।